चंडीगढ़ नगर निगम नूं लैके अज चंडीगढ़ दे मेयर कुलदीप कुमार ने अपना अहुदा सांभ लिया ते कुलदीप जी अज तुसी फाइनली अहुदा संभाल लिया है, बड़ी काफी चीजां होई है, इलेक्शन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस तो बाद काफी जेड़ा विवाद होए हैं, काफी इल्जाम लाए ने ते अज फाइनली तुसी अपना अहुदा सांभ लिया, प्रायोरिटीज की रहने वाली है, प्राथमिकताएं क्या रहने? प्राथमिकता तो बहुत है सर, जैसे कि आपको पता ही है कहीं ना कहीं सिटी पेट्रोल का दर्जा हमसे छीन लिया गया है, नंबर वन का दर्जा जो हमसे छीन लिया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल को दोबारा से वो दर्जा दिलाया जाए, डंपिंग ग्राउंड जो मेरे घर के बिल्कुल पास है उसे खत्म किया जाए, 70% खत्म हो चुका है, 30% अपने कार्यकाल में सोचूंगा खत्म हो जाए, सड़कें जैसे काम आपने देखा ही सड़कों का बड़ा बुरा हाल है वो भी कहीं ना कहीं ऑफिसर का बैठ के दोबारा से रिकार्पेटिंग है, जैसे भी जो सोल्यूशन हो सकता है वो जरूर किया जाएगा। कुलदीप जी क्योंकि लगता नहीं है राहत थोड़ी मुश्किल है क्योंकि बीजेपी काउंसलर या एमपी किरण खेर बिल्कुल अगेंस्ट है, लगातार आपके अगेंस्ट है जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया। नहीं वो माता जी है, मैं अखबारों में पढ़ा, वो कह रहे थे जी वो कूद कूद के चलता है, तो माँ बाप तो डांटते भी हैं, जो मैं तो उन्हें माँ बाप ही कहूंगा, अपनी मेरी माँ के समान ही है और उन्हें कुछ कहा होगा तो कुछ सोच समझे कहा होगा, तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि बीजेपी भी जो पार्षद है या मैडम एमपी कह रहे हैं या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं चंडीगढ़ के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जाएंगे वो सभी का साथ होगा और मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं चंडीगढ़ विकास के लिए वो मेरा साथ देंगे। कुलदीप कुमार जी क्योंकि समय कम है क्योंकि आगे आने वाले समय कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, तो रोड मैप कुछ तैयार किया है कुछ मीटिंग्स का, जैसे आपने कुछ सोचा हो? रोड मैप का ऐसे ना जैसे हम आपसे लोगों से फ्री हो जाएं वैसे ही ऑफिसर से मीटिंग ली जाएगी और रोड मैप बना लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी, एक तो हमारी बजट की मीटिंग भी रुकी हुई है और भी एक दो एजेंडे भी रुके हुए हैं, मतलब कम समय है उसमें काम ज्यादा करना है, तो बहुत पानी को लेकर जो है वो आपने काफी पहले भी है, लाल डोरे को लेकर है, दो तीन इश्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ना मेरे पास समय थोड़ा है तो इसलिए मैं दिन रात काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो बिल्कुल चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर कुलदीप कुमार, कई चीजों पर उन्होंने बातचीत की क्योंकि टाइम कम है और चाहे वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का इश्यू हो, चाहे वो बेसिक एमिनिटीज हो, कई चीजें हैं जिसको लेकर लगातार, हालांकि नगर निगम में जिस तरह से बवाल हुआ, जिस तरह से कई चीजें पिछले दिनों में देखी गई और अब फाइनली यहां पर बैठे हैं और उनका जैसे कहना है कि बजट पर भी जो है वो रुकी हुई थी मीटिंग, उस पर करवानी है, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग है वो भी अभी करनी है, आगे का रोड मैप जो है लोगों के लिए, लाल डोरे की बात करें या पानी की बात करें या बेसिक एमिनिटीज की बात करें, सड़कें की, रोड्स की, कई चीजों को लेकर लगातार काम किया जाएगा और आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ मिलकर ये जो है वो कोशिश की जाएगी कि हर किसी वार्ड के काम किए जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18, पंजाब। चंडीगढ़ नगर निगम नूं लैके अज चंडीगढ़ दे मेयर कुलदीप कुमार ने अपना अहुदा सांभ लिया है ते कुलदीप जी अज तुसी फाइनली अहुदा संभाल लिया है, बड़ी काफी चीजां हुई है, इलेक्शन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस तो बाद काफी जेड़ा विवाद होए हैं, काफी इल्जाम लाए ने ते अज फाइनली तुसी अपना अहुदा सांभ लिया, प्रायोरिटीज की रहने वाली है, प्राथमिकताएं क्या रहने? प्राथमिकता तो बहुत है सर, जैसे कि आपको पता ही है कहीं ना कहीं सिटी पेट्रोल का दर्जा हमसे छीन लिया गया है, नंबर वन का दर्जा जो हमसे छीन लिया गया है, मेरी कोशिश रहेगी कि चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल को दोबारा से वो दर्जा दिलाया जाए, डंपिंग ग्राउंड जो मेरे घर के बिल्कुल पास है उसे खत्म किया जाए, 70% खत्म हो चुका है, 30% अपने कार्यकाल में सोचूंगा खत्म हो जाए, सड़कें जैसे काम आपने देखा ही सड़कों का बड़ा बुरा हाल है वो भी कहीं ना कहीं ऑफिसर का बैठ के दोबारा से रिकार्पेटिंग है, जैसे भी जो सोल्यूशन हो सकता है वो जरूर किया जाएगा। कुलदीप जी क्योंकि लगता नहीं है राहत थोड़ी मुश्किल है क्योंकि बीजेपी काउंसलर या एमपी किरण खेर बिल्कुल अगेंस्ट है, लगातार आपके अगेंस्ट है जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया। नहीं वो माता जी है, मैं अखबारों में पढ़ा, वो कह रहे थे जी वो कूद कूद के चलता है, तो माँ बाप तो डांटते भी हैं, जो मैं तो उन्हें माँ बाप ही कहूंगा, अपनी मेरी माँ के समान ही है और उन्हें कुछ कहा होगा तो कुछ सोच समझे कहा होगा, तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि बीजेपी भी जो पार्षद है या मैडम एमपी कह रहे हैं या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं चंडीगढ़ के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जाएंगे वो सभी का साथ होगा और मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं चंडीगढ़ विकास के लिए वो मेरा साथ देंगे। कुलदीप कुमार जी क्योंकि समय कम है क्योंकि आगे आने वाले समय कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, तो रोड मैप कुछ तैयार किया है कुछ मीटिंग्स का, जैसे आपने कुछ सोचा हो? रोड मैप का ऐसे ना जैसे हम आपसे लोगों से फ्री हो जाएं वैसे ही ऑफिसर से मीटिंग ली जाएगी और रोड मैप बना लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी,
एक तो हमारी बजट की मीटिंग भी रुकी हुई है और भी एक दो एजेंडे भी रुके हुए हैं, मतलब कम समय है उसमें काम ज्यादा करना है। तो बहुत पानी को लेकर जो है वो आपने काफी पहले भी है, लाल डोरे को लेकर है, दो तीन इश्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ना मेरे पास समय थोड़ा है तो इसलिए मैं दिन रात काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो बिल्कुल चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर कुलदीप कुमार, कई चीजों पर उन्होंने बातचीत की क्योंकि टाइम कम है और चाहे वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का इश्यू हो, चाहे वो बेसिक एमिनिटीज हो, कई चीजें हैं जिसको लेकर लगातार, हालांकि नगर निगम में जिस तरह से बवाल हुआ, जिस तरह से कई चीजें पिछले दिनों में देखी गई और अब फाइनली यहां पर बैठे हैं और उनका जैसे कहना है कि बजट पर भी जो है वो रुकी हुई थी मीटिंग, उस पर करवानी है, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग है वो भी अभी करनी है, आगे का रोड मैप जो है लोगों के लिए, लाल डोरे की बात करें या पानी की बात करें या बेसिक एमिनिटीज की बात करें, सड़कें की, रोड्स की, कई चीजों को लेकर लगातार काम किया जाएगा और आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ मिलकर ये जो है वो कोशिश की जाएगी कि हर किसी वार्ड के काम किए जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।